दोस्तों, हम सबके स्मार्टफोन में एक ना एक कैमरा जरूर होता है और कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे आज के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के लिए। और कंपनी ज्यादातर मेगापिक्सल काउंट यानी कि कैमरा के रेजोल्यूशन को सिर्फ हाइप करती हैं और ज्यादा चीजों के बारे में बात नहीं करती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि लेंसेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और सेंसर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उन चीजों को जान के कैसे आप एक बेहतर स्मार्टफोन कैमरा ले सकते हैं इस साल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य और आज बात करेंगे कैमरा की। दोस्तों, कैमरा बेसिकली कैमरा में जो काम हो रहा होता है वो बेसिकली लाइट को कैप्चर करने का काम हो रहा है होता है कि सेंसर पे कितनी लाइट पड़ रही है और वो उस लाइट को कितनी अच्छी तरह से कैप्चर कर पा रहा है। एक कैमरा बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप एक कैमरा को। पहला तो होता है सेंसर पार्ट और दूसरा होता है लेंस का एरिया। तो सेंसर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अब सेंसर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेंसर की प्राइमरीली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें एडवर्टाइज किया जाता है, जिन्हें आप स्पेक शीट में देख सकते हैं। और पहली उनमें से सबसे ज्यादा एडवर्टाइज जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक इमेज के अंदर कितने डॉट्स हैं, कितने पिक्सल्स हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन के केस में आपको बताया था कि रेजोल्यूशन क्या होता है, सिमिलरली वैसे ही एक इमेज को कंपोज करने के लिए भी पिक्सल्स का यूज किया जाता है और उन पिक्सल्स की काउंट जो होती है एक इमेज के अंदर वही आपका रेजोल्यूशन है। जितनी ज्यादा काउंट होगी उतना ही ज्यादा रेजोल्यूशन। अब इसको सबसे ज्यादा हाइप किया जाता है, पर ये रेजोल्यूशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि 2 मेगापिक्सल में भी आपको फुल एचडी जितना रेजोल्यूशन मिल जाता है। पर अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं और आपके कैमरा का सेंसर जो है उसका साइज कम होता है, इस वजह से जो पिक्सल्स होते हैं उनकी साइज कम हो जाती है। तो दूसरा जो पैरामीटर है वो है पिक्सल का साइज। अब आपको करना क्या है कैमरा में, आपको लाइट कैप्चर करनी है और लाइट कैप्चर कहां पे हो रही है? पिक्सल पे, जो इंडिविजुअल पिक्सल सेंसर के ऊपर लगे हुए हैं उनके ऊपर लाइट कैप्चर हो रही है। तो अगर पिक्सल का साइज कम होगा तो वो कम लाइट कैप्चर करेगा और इवेंचुअली आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो फोटो इमेज मिल रही है फाइनली, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर कम लाइट कैप्चर हो रही है। ज्यादा लाइट कैप्चर होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्यादा अच्छी फोटो कैप्चर होगी। तो अगर आपके पिक्सल्स का साइज ज्यादा है, जो कि जनरली माइक्रॉन्स में नापा जाता है, जनरली आपने देखा होगा कि 1.6 माइक्रॉन्स, 1.4 माइक्रॉन्स ऐसे पिक्सल्स का साइज लिखा होता है कैमरा के स्पेसिफिकेशंस में, आपके स्मार्टफोन या किसी भी कैमरा के केस में जब आप देखते हैं स्पेक शीट को। तो आपके जो पिक्सल का साइज होता है वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि आपके सेंसर का रेजोल्यूशन। अब तीसरी चीज होती है आपके जो सेंसर का स्टाइल है, मतलब कि जो क्रॉप है, जो क्रॉप रेशियो है। अब किसी अगर आप किसी डीएसएलआर की बात करें तो एक डीएसएलआर के कंपैरिजन में आपके स्मार्टफोन का जो सेंसर होता है उसका साइज 50 गुना तक कम हो सकता है। टिपिकली ऐसा ही होता है कि आपके जो कैमरा का सेंसर है वो इतना छोटा होता है, उसके कंपैरिजन में डीएसएलआर उससे लगभग 50 गुना बड़ा होता है। तो उसमें ज्यादा सर्फेस एरिया होता है इमेज को कैप्चर करने के लिए और इस वजह से उसमें जो पिक्सल्स का साइज होता है वो भी ज्यादा बड़ा होता है और इस वजह से ज्यादा लाइट उसमें इनपुट होती है, इसलिए डीएसएलआर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब दूसरी चीज जो होती है आपके कैमरा में वो होता है लेंस। अब स्मार्टफोन के केस में प्रॉब्लम ये है कि आपने रिसेंटली पिछले 1-2 सालों से ऐसा चल रहा है कि एक से ज्यादा कैमराज आपको बैक में मिल रहे हैं या फ्रंट में भी कभी कभी एक से ज्यादा कैमराज मिल रहे हैं। अब जरूरत क्या है एक से ज्यादा कैमरा लगाने की? जरूरत यह है कि दोस्तों, आपके डीएसएलआर में अगर आपने नोटिस किया हो तो आप लेंसेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वाइड एंगल लेंस चाहिए तो वाइड एंगल लगा लिया, टेलीफोटो चाहिए तो टेलीफोटो लगा लिया, प्राइम चाहिए तो प्राइम लगा लिया। ये अलग अलग लेंसेज हैं। अब स्मार्टफोन में आप ये कर नहीं सकते हैं, तो आपको एक सेंसर उसके साथ एक लेंस अलग से लगाना पड़ता है। इसलिए जो नंबर ऑफ लेंस की काउंट होती है वो नंबर ऑफ कैमराज की काउंट हो जाती है। मतलब जितने ज्यादा आपको, जितने अलग अलग तरह के लेंस आपको एक स्मार्टफोन में लगाने हैं, आपको उतने ही अलग अलग सेंसर्स भी लगाने पड़ेंगे और इवेंचुअली उतने ही ज्यादा कैमराज एक स्मार्टफोन के अंदर हो जाएंगे। अब बात करते हैं लेंसेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। पहली होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली आपके लेंस से कैमरा के सेंसर के बीच की डिस्टेंस होती है और फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी दोस्तों, आपका जो सामने कैप्चर कर रहा है लेंस वो फील्ड ऑफ व्यू उतनी कम हो जाएगी, मतलब वो सामने उतनी ही कम चीजें कैप्चर करेगा। फोकल लेंथ जितनी छोटी उसका फील्ड ऑफ व्यू उतना ही वाइड हो जाएगा, वो उतनी ही ज्यादा चीजें कैप्चर करेगा। तो जब भी आप वाइड एंगल लेंस की बात करते हैं तो बेसिकली कम फोकल लेंथ के लेंस की बात कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ स्मार्टफोन जैसे कि ये LG G7 जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इसमें प्राइमरी लेंस रेगुलर लेंस है और जो सेकेंडरी लेंस है वो वाइड एंगल लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ प्राइमरी वाले से थोड़ी छोटी होगी और इस वजह से वो ज्यादा वाइड एंगल कैप्चर करता है। तो अगर आपको वाइड एंगल कैप्चर करना है तो आपको कम फोकल लेंथ वाला लेंस लेना चाहिए।
दूसरी चीज जो लेंस के बारे में होती है वो होती है एफ स्टॉप। अब एफ स्टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अपर्चर को भी कंट्रोल करती है, और बेसिकली इसे डिनोट किया जाता है फोकस लेंथ डिवाइडेड बाय जो आपका अपर्चर का डायमीटर है वो। तो एफ स्टॉप नंबर जितना ज्यादा होगी आपकी अपर्चर उतनी ही छोटी होगी, और अपर्चर जितनी छोटी होगी आपके लेंस पर लाइट उतनी ही कम फॉल होगी। अब सैमसंग गैलेक्सी S9 के आने से पहले जितने भी स्मार्टफोन्स होते थे उनमें लेंसेज का जो इंप्लीमेंटेशन होता था उसमें अपर्चर की साइज फिक्स्ड होती थी। सैमसंग S9 में आपकी जो अपर्चर की साइज है वो वेरिएबल है, एक स्टेज और दो स्टेज में, एक 1.6 है शायद और एक 2 point something के आसपास है। तो एफ स्टॉप नंबर जितना बड़ा होगा अपर्चर का साइज उतना छोटा होगा, और लेंस को जो आपके सेंसर को उतनी ही कम लाइट मिलेगी, और इमेज की क्वालिटी अगर आप ब्राइट लाइट में सनी लाइट में खींच रहे हैं तब तो अच्छी रहेगी, पर अगर लो लाइट में खींच रहे हैं तो आपको एफ स्टॉप हमेशा कम लेना चाहिए ताकि जो अपर्चर का डायमेंशन है वो बड़ा रहे और आपको ज्यादा लाइट मिल सके और ज्यादा अच्छी फोटोज आए। और दूसरा फायदा जो एफ स्टॉप का होता है, एफ स्टॉप नंबर जितना छोटा होगा आपका अपर्चर उतना ही बड़ा होगा, और जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। मतलब कि जो आप पोर्ट्रेट इफेक्ट या बोके इफेक्ट देखते हैं वो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से आता है। डेप्थ ऑफ फील्ड जितना कम होगा उतना बेहतर आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो एफ स्टॉप नंबर जितना कम होगा, मतलब f/2.0 इज बेटर देन f/2.4 अगर आपको बेहतर पोर्ट्रेट चाहिए, बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी चाहिए। तो एफ स्टॉप नंबर छोटा रखने की कोशिश करिए, जितना छोटा होगा उतना बेहतर है आपकी लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। अब तीसरी चीज जो लेंसेज के बारे में अच्छी होती है वो है स्टेबलाइजेशन। जो एक और पैरामीटर है लेंसेज का वो है स्टेबलाइजेशन। जो बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स होते हैं, जितने भी टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन्स होंगे, जितने भी फ्लैगशिप्स होंगे, उनमें OIS इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब इसमें होता क्या है कि मैग्नेट्स या किसी और मैकेनिज्म की मदद से जो आपका लेंस होता है उसे स्टेबलाइज किया जाता है ताकि आपके हाथ से जो हल्का फुल्का शेक हो रहा है जब आप फोटो ले रहे हैं उस वक्त वो लेंस शेक ना करे, अपनी जगह पे रहे और आपको एक बेहतर इमेज डिलीवर कर सके। तो जनरली OIS इज बेटर देन EIS। EIS एक अल्टरनेटिव है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं इसे। और आपके फोन में जो एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप वगैरह होते हैं जिनसे आपका रोटेशन स्क्रीन रोटेशन का काम वगैरह लिया जाता है, उनकी मदद से आपका ये जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अचीव की जाती है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। OIS इज ऑलवेज बेटर देन EIS। और आजकल तो हाइब्रिड यूज किया जा रहा है कि मतलब OIS और EIS को मिला के एक साथ यूज किया जा रहा है स्मार्टफोन्स के अंदर। अब ये तो हो गई आपकी लेंसेज और आपके सेंसर्स की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको बेहतर स्मार्टफोन लेना है, एक बेहतर स्मार्टफोन बेहतर फोटोग्राफी के लिए लेना है, तो आपके प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए। पहला तो आपके सेंसर का साइज फिक्स्ड है। सेंसर का साइज कुछ स्मार्टफोन आजकल स्मार्टफोन कैमराज में थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो जितना बड़ा सेंसर होगा उतना बेहतर है। रेजोल्यूशन से कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। आप अगर 8-10 मेगापिक्सल तक भी ले रहे हैं तो काफ़ी है, पर ये देखिए कि आपके सेंसर का साइज जो है, जो अंदर सेंसर लगा हुआ है उसका साइज कितना बड़ा है, वो बड़ा होना चाहिए। सेंसर के अंदर जो पिक्सल्स हैं उन इंडिविजुअल पिक्सल्स का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा लाइट फॉल हो और ज्यादा बेहतर इमेज आपको मिले। अब दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी है वो आपके लेंस नोटिस करने हैं। और अगर आपको वाइड एंगल लेंस चाहिए तो आपको देखना होगा कि फोकल लेंथ कम हो। फोकल लेंथ जनरली आपको दिख जाएगी स्पेसिफिकेशंस में, तो फोकल लेंथ कम होगी तो ज्यादा वाइड एंगल लेंस होगा। अपर्चर कोशिश करिए जो एफ स्टॉप है वो छोटा हो ताकि अपर्चर बड़ी हो, आपको बेहतर पोर्ट्रेट मिले अगर पोर्ट्रेट शॉट्स लेने हैं तो। और ज्यादा अपर्चर होने से आपको ज्यादा लाइट भी मिलेगी सेंसर पे, तो ज्यादा बेहतर फोटो आपको इवेंचुअली मिल जाएगी। और OIS तो लेना ही लेना है। तो दोस्तों लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक बेहतर स्मार्टफोन कैमरा ले पाए अपनी नेक्स्ट परचेज में। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।